अच्छा जी दोस्तों, तो हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने HTML पढ़ी थी, CSS पढ़ी हमने, उसके बाद फिर JavaScript पढ़ी है, और फिर ये React हम आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, React के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड वगैरह बनाया था ये लाइन से पूरा, और लास्ट वाली क्लास में हमने स्टेटफुल कंपोनेंट पढ़ा था। स्टेटफुल कंपोनेंट हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेट क्या होता है, असल में वो वेरिएबल को कहते हैं। तो कंपोनेंट के अंदर जो वेरिएबल्स बनते हैं, हाँ खड़े में क्यों हो तुम, जगह नहीं है तो ये यहाँ बैठ जाओ ना सामने, ये बैग उठा के ना इधर रख दो, हैं इसी पे बैठना है तुम्हें। अच्छा तो एक काम करो तुम, ये ऐसी बगैर वो वाली चेयर ना एक बाहर से लो, है मिल गई जगह, चलो सही है, ठीक है ना, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि स्टेटफुल कंपोनेंट जो होता है वो असल में कंपोनेंट के अंदर जो एक ख़ास किस्म का वेरिएबल होता है, जो कि क्या होता है, कंपोनेंट के रीरेंडर होने पे, उस वेरिएबल के चेंज होने पे कंपोनेंट को दोबारा से रेंडर करवाया जाता है। तो उस वेरिएबल के अंदर जो ख़ास किस्म का स्टेट वेरिएबल है, उसमें जो भी डेटा होता है वो रियल टाइम पे आपको स्क्रीन पे उसी तरह से दिख रहा होता है, ठीक है। और हमने साथ में ये भी देखा था कि अगर वो डेटा, अगर नंबर स्ट्रिंग या बूलियन है तब तो वो नॉर्मली चेंज होता है, लेकिन अगर वो एरे या ऑब्जेक्ट है तो उसको जब हम चेंज करवाते हैं तो साथ में उसको उसका रेफरेंस भी हमें ब्रेक करना होता है, देसी ज़ुबान में उसको बोलते हैं रेफरेंस तोड़ना, ठीक है। और जो जो प्रॉपर तरीका है कि उसका उसका नया क्लोन बनाना होता है हमें, ठीक है। उस वाले सेम एरे पे आप चेंज करेंगे तो उसको समझ नहीं आता, ठीक है, जब तक रेफरेंस ब्रेक नहीं होता उसका वो उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो लास्ट जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उससे मुतल्लिक किसी का कोई सवाल अगर है तो वो भी पूछ सकता है, स्टेट वेरिएबल से मुतल्लिक, स्टेट वेरिएबल में चेंज करने से मुतल्लिक कोई है किसी के क्वेश्चन। अच्छा, ये जो सेट नंबर है ना, ये जो सेट हम स्टेट को सेट कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ मैंने ना नहीं पढ़ाई है अभी तक, ठीक है। इसका जो एसिंक्रोनस तरीका भी होता है इसको यूज़ करने का, ये वाली जो लाइन लिखी है ना सेट नंबर, इसमें तो अभी मैंने एक सिंपल सी वैल्यू दे दी है और मैंने बोला ठीक है इसको चेंज कर दो। इसका एक एसिंक्रोनस तरीका होता है इसको चेंज करने का, वो मैं इन फ्यूचर बहुत जल्दी मैं आपको बताऊँगा, वो जब वो उस तरह की सिचुएशन आएगी ना जहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, यूज़ स्टेट की तरफ हम मूव करते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ जनाब, इसी की ना एक कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा था ना, इसी 9 जो था इसकी मैंने कॉपी बना ली, और इसका मैं नाम भी चेंज कर देता हूँ, ये स्टिल कॉपी हो रहा है अभी, थोड़ा सा हम वेट करते हैं ताकि ये कॉपी कम्प्लीट हो जाए। अच्छा, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ 10, और API इंटीग्रेशन, हाँ बस API इंटीग्रेशन काफ़ी है, इसकी स्पेलिंग मैंने सही लिखी है ना इंटीग्रेशन की, हाँ सही लिखी है, सही है। तो मैंने कहा कि स्टेटफुल कंपोनेंट था, API इंटीग्रेशन विद यूज़ इफेक्ट, ठीक है, यूज़ इफेक्ट, और स्टेटफुल कंपोनेंट विद यूज़ स्टेट, ताकि आपको फोल्डर का नाम देख के पता चले कि अंदर इसकी क्या हुआ है, बेटर। अच्छा, अब हमारे पास ये जो वही कल वाली ऐप है कि उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया, इसके मैं app.js में आ जाता हूँ, ठीक है। ये ब्रैंड न्यू ऐप है जिसका हमने क्या किया था, app.js से सब कुछ उड़ा दिया था और अपना कोड लिखा था उसमें हमने, ठीक है। अच्छा, इसमें एक नॉर्मल वेरिएबल बना हुआ था, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल हम यूज़ फिलहाल नहीं कर रहे हैं, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये जो num लिखा हुआ था एक स्टेट वेरिएबल, इसको भी मैं अब चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो API कॉल जब मैं करता हूँ तो मेरे पास वहाँ से क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है या एरे आता है, ठीक है। तो हम कौन सी API आई कॉल करने लगे हैं, न्यूज़ API, चलो देखते हैं कोई ना कोई API करेंगे। तो मैं इसको एक जेनेरिक नाम दे देता हूँ, डेटा, सही है, डेटा और सेट डेटा, क्योंकि असल में मैं इसलिए पूछ रहा था, मुझे किसी ने बोला कि न्यूज़ API जो है ना वो लोकल चलती है और वो क्लाउड पे जाके बंद हो जाती है, तो वो भी आज एक्सप्लोर कर लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं। अच्छा, और मैंने इसको कहा एम्प्टी एरे, ठीक है, इनिशियल वैल्यू में मैंने इसको क्या बोला कि एम्प्टी एरे रख दो, और जब कोई डेटा आएगा तो वो उसकी जगह पे आ जाएगा,
क्योंकि हम जब वेदर की एपीआई या कोई न्यूज़ की एपीआई कॉल करते हैं तो वो ज़ाहिर है एक न्यूज़ तो नहीं भेजता ना, वो आज के दिन की 10-12 जो हेडलाइन की न्यूज़ है वो सब भेजता है सर। तो होपफुली वो एरे की फॉर्म में उसको भेज रहा होगा और एरे के हर इंडेक्स के ऊपर एक ऑब्जेक्ट होगा, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद ये जो रिटर्न है, रिटर्न के अंदर ये जितना भी कोड लिखा हुआ है इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया ताकि जो कल वाला कोड है वो प्रिजर्व हो जाए ये 9 वाले फोल्डर में, और 10 में आज हम ब्रांड न्यू कोड लिखेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा कोड आपके सामने इस वक्त मौजूद है। एक ऐप के नाम से कंपोनेंट बना हुआ है, उसके अंदर एक स्टेट वेरिएबल है जिसका नाम हमने रखा है डेटा। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें इसके अंदर एक अदद बनाना है फॉर्म। ठीक है, फॉर्म हम क्यों बना रहे हैं इसके अंदर, ताकि कोई भी सिटी का नाम लिख के या कुछ, अगर हम वेदर एपीआई कॉल करते हैं तो सिटी का नाम उसके लिए चाहिए होंगे, तो कुछ यूज़र से इनपुट हम लेके उसको भेज सकें एपीआई कॉल के साथ, वो लगा के ना डेटा भेज सकें। अच्छा, मैंने कहा फॉर्म, और फॉर्म के अंदर मैंने फिर बोला कि एक अदद मुझे चाहिए इनपुट। ठीक है, इनपुट की टाइप टेक्स्ट होगी, और मैंने कहा कि यार प्लेस होल्डर इसमें लगा दिया जाए कि एंटर योर सिटी नेम, सही है। और बटन में मैंने कह दिया कि गेट न्यूज़। ठीक है, गेट न्यूज़ का मैंने बटन यहाँ पे बता दिया। अच्छा, अब ये जो गेट न्यूज़ का जब ये बटन प्रेस किया जाए तो क्या हो उसके ऊपर, तो मैं बोलूँगा कि बटन की जो टाइप है वो टाइप सबमिट, ताकि इस बटन के क्लिक पे सबमिट परफॉर्म हो जाए। अच्छा, सबमिट जब हो तो कौन सा फंक्शन चले, मैंने कहा ऑन सबमिट इक्वल्स टू गेट न्यूज़, सही है। अच्छा, गेट न्यूज़ क्या चीज़ है, ये एक फंक्शन है। अच्छा, आप इस चीज़ का यहाँ पे बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत गौर से इस चीज़ को समझें कि यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप इसको गौर करें, जब HTML के ज़माने में हम कैसे लिखते थे, हम लिखते थे ऐसे ऐसे लिखते थे, राइट। ये कॉल सिग्नेचर, ये जो पैरेंथेसिस ओपन क्लोज है ये कॉल सिग्नेचर कहते हैं इसको, लेकिन अब की बार हम क्या लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, हमने कॉल सिग्नेचर इसमें ऐड नहीं किया। अच्छा, इस नाम का कोई फंक्शन नहीं बना हुआ, इसलिए मुझे ये एक लिंट नीचे लगा के दे रहा है कि यार इस नाम को तो फंक्शन ही कोई नहीं है, तो इस नाम का फंक्शन मैं यहाँ पर बना देता हूँ। मैंने कहा कॉन्स्ट, ठीक है, ये मैंने ES6 का फंक्शन बनाया, इसमें किसी का कोई सवाल तो नहीं है, ये हम पहले कई दफ़ा बना चुके हैं। तो ये ES6 का मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम है गेट न्यूज़। तो देखिए, अब वो नीचे जो एरर आ रहा था वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैं एग्जियोस की एक लाइब्रेरी है जो हम कई दफ़ा पहले भी यूज़ कर चुके हैं API कॉल करने के लिए, ठीक है, लेकिन हमने वो HTML की और प्लेन JavaScript की ऐप से उसको यूज़ करते थे, अब हम उसको React की ऐप से उसी लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। अच्छा, तो एग्जियोस मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लिखूँगा exios.get और यहाँ पे मैं API का जो भी एड्रेस होगा मेरा वो मैं लिख दूँगा यहाँ पर, ठीक है, .com/API xyz जो भी। अच्छा, लेकिन ये मुझे कह रहा है कि एग्जियोस तो मुझे मिल ही नहीं रहा कि एग्जियोस है कहाँ, तो हम अपने JavaScript की जो प्लेन JavaScript की ऐप थी उसमें इस एग्जियोस को कैसे इंस्टॉल करते थे, प्लेन JavaScript की ऐप में CDN लगाते थे, राइट। अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी CDN लगाने का ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं, जो प्रॉपर तरीका इंस्टॉल करने का वो करूँगा। अच्छा, अगर मुझे CDN लगाना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं SRC के फोल्डर से बाहर आके पब्लिक में आऊँगा और पब्लिक के अंदर एक HTML है, मैं इधर लगाऊँगा अगर मुझे CDN लगाना होगा तो, ठीक है, लेकिन CDN में नहीं लगाऊँगा, ये प्रॉपर तरीका, क्योंकि CDN में हम लास्ट टाइम ऐसे भी देख चुके हैं कि सम टाइम जो CDN का प्रोवाइडर होता है JS डेलीवर वगैरह वो बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो क्लाउड पे आप डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी दूसरे के क्लाउड पर, तो अगर वो JS डेलीवर या जो भी आप CDN प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं वो अगर बंद हो गया थोड़ी देर के लिए तो आपकी ऐप भी बंद हो जाती है, तो इसलिए बेहतर ये है कि हम उसको क्या करें, उसको डाउनलोड करके आपके ही फोल्डर में वो आके इंस्टॉल हो जाता है, और वो फोल्डर का नाम क्या है, नॉड मॉड्यूल्स, ठीक है। JavaScript में भी हमने ऐसा करके देखा है कि एक तो CDN लगाया था, फिर वो CDN की पूरी फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके एक फोल्डर में आप उस exios.min.js करके आप रख देते थे, ठीक है। तो अब वो काम इसमें कैसे होगा, वो काम इसमें होगा NPM के ज़रिए,
ठीक है, NPM जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि NPM क्या है, नॉर्ड का पैकेज मैनेजर है, यानी नॉर्ड JS की जितनी लाइब्रेरीज हैं उसका ये स्टोर है ऑफिशियल। तो यहाँ सारी लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं, तो मैंने क्या करना है अब यहाँ पे देखो, ये इंस्टॉल का तरीका बताया हुआ है, NPM I Axios। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करके, मैं इस वक्त 9 वाले फोल्डर में हूँ तो मैं 10 में आ जाता हूँ, CD 10। ठीक है, जो अब इस फोल्डर में आ चुका हूँ मैं 10 वाले में, यहाँ पे आके मैं क्या बोलूँगा, NPM I Axios एंटर। सही है, इंस्टॉलेशन हो गई। अब इंस्टॉल करना सिर्फ काफ़ी नहीं होगा, यहाँ पे मुझे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करना इन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है, तो देख लेते हैं कैसे इंपोर्ट करना बताया है इन्होंने। ठीक है, एक तो ये रिक्वायर वाला सिंटैक्स है, ये पुराना सिंटैक्स है, ठीक है, हमें नया वाला सिंटैक्स देखना है। उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं जिक्र किया होगा कि इम्पोर्ट कैसे होगा। कंट्रोल एफ कर लेते हैं, इम्पोर्ट कहीं नहीं बताया, हाँ ये रहा, इम्पोर्ट Axios फ्रॉम Axios। ठीक है, ये हमें बता दिया इसमें, मेनली तो उसने वही पुराना तरीका बताया हुआ है, लेकिन नीचे कहीं जाके उसने ES6 भी मेंशन किया हुआ है कि ES6 वाला तरीका कैसे है। सही है, अगर मैं टॉप पे जाऊँ और मिसाल के तौर पे कोई ऐसी लाइब्रेरी जिसने मुझे ES6 का तरीका बताया ही नहीं है सिरे से, मैं इंस्टॉलेशन वाले सेक्शन में इसके आ जाता हूँ। इंस्टॉल कहाँ है भाई इंस्टॉल, ये तो डायरेक्ट कॉन्फ़िग में आ गया। ये इसका तरीका है ना, यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि भाई ऐसे करके इम्पोर्ट होता है। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पे मुझे ये तरीका किसी ने नहीं बताया और मुझे ये पुराना वाला तरीका पता है, तो इस तरीके से भी चल जाएगा, ये मसला नहीं करेगा। लेकिन इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, ES6 में। अब यहाँ पे ये वो दे नहीं रहा मुझे ऑप्शन, अच्छा वो फाइल हमारी MJS की होती है तो फिर देता है वो, ये तो हमारी फाइल है JSX है ये, इसको 2 मिनट के लिए मैं MJS बना देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट के लिए मैंने MJS इसको बनाया है। वेल, इसमें वो चलेगा, खैर हो गई, इसको वापस JSX कर देता हूँ। तो ये पुराना तरीका भी इसमें चलेगा ना, सही चलेगा बिल्कुल, कोई ऐसा मसला नहीं है ये, मतलब प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको, क्योंकि अब एक तो MJS है ना, मॉड्यूल JS, वो बिल्कुल नया वाला है, उसमें ES5 का कोड चलता ही नहीं है, वो मना ही कर देता है आपको, बोलता है भाई ES5 एक्सेप्टेबल ही नहीं है। लेकिन ये React का जो कोड है, ये ES6 ये भी है, लेकिन ये आपको मना नहीं कर रहा पुराने कोड पर ना। मुझे लगा था कि एरर देगा, लेकिन इसने नहीं दिया, मुझे लगा था कि ये पुराने वाले रिक्वायर वाले कोड पर ना एरर दे देगा, लेकिन इसने नहीं दिया। तो ठीक है, फिर उसको हम पुराने वाले तरीके से ही रन करते हैं, जो उन्होंने टॉप पे इन्होंने लिखा हुआ है ना, जो Axios ने, कि भाई ये है हमारी एग्जांपल, तो हम उस तरीके से इसको रन करते हैं। ठीक है, बाकी ये कमेंट के अंदर मैंने नया वाला तरीका भी इंपोर्ट का मेंशन कर दिया, अगर आप इससे करना चाहें तो इससे कर लें, दोनों तरीके सही हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा वापस यहाँ पे, axios.get। अब axios.get में मुझे चाहिए उस सर्वर का एड्रेस जहाँ पे मैंने API कॉल भेजनी है। सही है, तो मैं ज़रा आ जाता हूँ फिर न्यूज़ वाली API पे। ये न्यूज़ API आ गई भाई साहब, इस पर मैंने कर लिया लॉगिन। ये तो बड़ा मुश्किल सा फॉर्म इसने बनाया, डायरेक्ट हो जाती है। एक मिनट, इसकी प्राइसिंग ज़रा मैं देख लूँ, वो फ्री में क्या दे रहा है। फॉर ऑल डिवेलपमेंट ऑफ टेस्टिंग पर्सनल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स स्टार्ट विद 100 रिक्वेस्ट पर डे, नो एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट अवेलेबल, नो अपटाइम SLA, बेसिक सपोर्ट, कॉर्स इनेबल्ड फॉर लोकल होस्ट। हाँ, ये इन्होंने गड़बड़ की हुई है ना, रिक्वेस्ट कैन बी मेड वाया ब्राउजर वाइल टेस्टिंग लोकल होस्ट। आपके URL में लोकल होस्ट होगा ना, जब ही चलेगा ये, सही कह रहा था जो भी कह रहा था। सर्च आर्टिकल दिस, न्यूज आर्टिकल अवेलेबल, 1 आवर डिले, सर्च ऑल न्यूज़। हाँ, तो ये तो इन्होंने गड़बड़ की हुई है, हम कोई दूसरी न्यूज़ API सर्च कर लेते हैं।
फ्री न्यूज़ एपीआई हम देखते हैं ना, newsdata.io करके मुझे मिला है, newsdata.io, इसकी भी ज़रा प्राइसिंग पे नज़र मारते हैं क्या चक्कर है इसका। इन्होंने भी वही काम किया हुआ है, कॉर्स इनेबल फॉर लोकल होस्ट। ये अजीब सा क्या ट्रेंड है यार, ये न्यूज़ वालों में ये ट्रेंड चला हुआ है। रैपिड एपीआई पे भी किसी ने ये बना के डाली हुई है न्यूज़ की एपीआई। बिंग न्यूज़ सर्च, हाँ स्टोरी एपीआई क्या है? अच्छा नहीं, अभी तो ज़रा न्यूज़ पे ही हम, rapidapi.com है ना ये, ओके। और इसने मुझे बोला कि एक बिंग न्यूज़ सर्च है, एक कॉन्टेक्चुअल वेब एपीआई सर्च है, गूगल न्यूज़ की एपीआई भी मौजूद है यार, वेल डन। अगर अच्छा हम अलग से सर्च कर लेते हैं, गूगल न्यूज़ एपीआई, What to use now? Google News API is depreciated. अच्छा Google News की API इन्होंने depreciate कर दी है। news.google.com/output.rss Bing News Search। अच्छा इसने भी Bing News Search का जो है ना suggest किया है किसी ने। ये 2000 अरे ये तो 2011 ये तो बहुत पुराना question है, बहुत पुराना answer है। Media stack। नहीं यार गूगल न्यूज़ तो बहुत अच्छा है, मैं डेली गूगल न्यूज़ ही इस्तेमाल करता हूँ। गूगल न्यूज़ एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है, अच्छा न्यूज़ एपीआई में ही आ रहा है ये भी। ये कुछ भी लिख रहा हूँ ना मैं, टॉप पे न्यूज़ एपीआई ही घूम के आ जा रहा है। इन्होंने सर्च इंजन अच्छा किया हुआ है अपना, गूगल न्यूज़ एपीआई, गूगल न्यूज़ एपीआई अल्टरनेटिव। यार गूगल ने अपने न्यूज़ की एपीआई नहीं पब्लिक की हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? डिवेलपर डॉट गूगल सर्च एनालिटिक्स नाउ सपोर्ट डिस्कवर गूगल न्यूज़। news.google.com तो शो कर रहा है, ये हमारा news.google.com तो आ गया। अच्छा RSS में मिल रहा है ये, उसके अलावा नहीं मिल रहा। लेकिन RSS तो फिर JSON नहीं होता ना। लिंक भेजा है किसी ने? api.github.com। यार ये वाली यूज़ कर लेते हैं, सही कह रहा हूँ। इसमें क्या है कि यूज़र का नाम लिखूंगा तो यूज़र आएंगे, ये वैसे ही आ जाएंगे। इसमें तो सर्च भी होना चाहिए ना, सर्च का ऑप्शन होना चाहिए। मतलब ये मैंने स्लैश यूज़र लिखा है, यूज़र्स लिखा है, तो ये तमाम यूज़र तो नहीं आए गिटहब के, क्योंकि गिटहब में तो बहुत यूज़र्स हैं। ये तो फर्स्ट 100 शायद लाया है।
क्या भेजा? न्यूज स्क्रैच एपीआई प्राइसिंग नो क्रेडिट कार्ड फोर वीक ओल्ड आर्टिकल दिस हाँ सही लग रहा है मुझे। इन्होंने लोकल होस्ट का जिक्र नहीं किया। नो कार्ड 30 डे। अरे हाँ ये 30 डे का ट्रायल है। मीडिया स्टैक भेजा है। ये जो एक्सेस की है इसकी ये प्राइसिंग में आ जाता है ना इसके अंदर। मीडिया स्टैक में प्राइसिंग क्या है इसकी? फ्री फॉर एवर 500 कॉल पर मंथ ऑल न्यूज सोर्स डिले कोई डिले नहीं है 13 लैंग्वेजेस में। हाँ ये तो सही लग रहा है मुझे। मीडिया स्टैक सही लग रहा है। अच्छा मीडिया स्टैक के अलावा रैपिड एपीआई भी किसी ने भेजा है। बिंग न्यूज सर्च बाई रैपिड एपीआई। अच्छा ये मुझे सबसे सही लग रहा है बिंग न्यूज वाला। ये बिंग न्यूज तो मुझे लग रहा है फ्री है। प्राइसिंग में देखते हैं ना क्या बता रहा है। 1000 कॉल है हार्ड लिमिट 3 रिक्वेस्ट पर सेकंड। अबे नहीं ये भी फ्री नहीं है भाई। फ्री कुछ भी नहीं है। अच्छा रैपिड एपीआई में ना ये बहुत सारे हैं ना न्यूज़। अच्छा न्यूज़ मीडिया की हम सर्च कर लेते हैं ज़रा एपीआई। ये सारे न्यूज़ और मीडिया वाली एपीआई सारी आ गई जो लोगों ने बना बना के यहाँ पर अपलोड की हुई है ना। सही है ये बिंग वाली को फिलहाल हम अप्लाई करते हैं। इसमें हमें साइन अप करना पड़ेगा रैपिड एपीआई में राइट। उसके बगैर ये काम नहीं करता। और इसमें हम साइन अप कर लेते हैं विद गूगल। तो गूगल ये जी हम साइन अप हो गया इसके अंदर। और अब इसमें मुझे क्या करना है अगला काम? सब्सक्राइब टू टेस्ट। अच्छा ये सब्सक्रिप्शन में मेरे शामिल हो गया। ये $0 वाला सब्सक्राइब हो गया। चलो भाई। अच्छा अब ये माई एपीआई में शो करेगा अंदर। मैंने बड़ा सुना है इसका यूज़ नहीं किया कभी लेकिन ये वाला रैपिड एपीआई फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ मैं। अच्छा ये असल में एक प्लेटफॉर्म है जो लोग ना एपीआई बना बना के अपलोड कर देते हैं फिर लोग उसको यूज़ करते हैं। ये मुझे वो इसका वो कैसे मिलेगा एपीआई टोकन वो नहीं अभी समझ आ रहा। अच्छा दे दिया अभी इसने। अच्छा सही है यार सही है। तो हमें चाहिए न्यूज़ सर्च वाला। ठीक है हमें चाहिए न्यूज़ सर्च। अच्छा तो ये ना पूरा कोड इसका कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। सही है ये इसने कोड भी पूरा बना के दे दिया बहुत अच्छी बात है। वेल डन। तो ये axios.get हम अपना वाला हटा के इसका पूरा कोड लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है इसने असल में इसने भी axios यूज़ किया लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है। इसने एक बनाया है ये कॉन्फ़िगरेशन पूरा axios का ना और इसने axios.request करके ये ऑप्शन पूरा पास कर दिया इसमें। ठीक है और डॉट देन पे इसको ये रिस्पॉन्स मिल गया। अच्छा अब ये क्यू जो है ना ये क्या है क्वेरी है जो हमें जाहिर है अपनी इसको पास करनी पड़ेगी क्वेरी। ठीक है अब ये क्यू की जगह पे मैं क्या लिखूँगा जो मैंने यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है ना वो लिखूँगा मैं। अच्छा इस इनपुट को मैं कैसे गेट करूँगा
हम तो पहले क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे भाई कि लेट सिटी नेम इक्वल्स टू, और मैं क्या लिखता था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इस पर मैंने कहा कि यार हैश लगा के, और मैंने कहा कि सिटी नेम, सही है। पहले मैं ऐसे करता था और डॉट वैल्यू लगा लेता था उसके आगे। ये ऐसे करके मुझे अभी भी क्या होगा, मिलेगा, लेकिन इसका एक बेहतर तरीका भी मौजूद है, सही है, ऐसे करके मुझे अभी भी ये मिलेगा, लेकिन इसका एक बेहतर तरीका ये मौजूद है कि जैसे ही मैं क्या करूँ, मैं बोलूँ कि भाई ऑन चेंज हो ना, जब यहाँ पे ऑन चेंज हो तो उस पर क्या करना है हमने, उसके ऊपर एक फंक्शन चला दें आप, और उस फंक्शन में क्या रखा है मैंने, मैंने कहा कि भाई सेट सिटी नेम, एक मैं अलग से जाहिर है वो बनाऊंगा, क्या कहते हैं स्टेट वेरिएबल जो कि अभी बना हुआ नहीं है, और मैं बोलूँगा कि यार इवेंट जो है ना वो कहाँ चला जाता है, ये होते होते मैंने कहा यहाँ पे इवेंट मिलेगा मुझे, और यहाँ पे मैं रखूँगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो कोड है ये बॉयलर प्लेट है ना, ये हर दफ़ा ऐसे ही लिख रहे होते हैं आप, ऑन चेंज वाला कोड जो है, सही है। इसको मैं ज़रा ऐसे कर दूँ ताकि ये अच्छा सा लगे, देखिए सही है, ये पूरा इनपुट का मेरा फोल्डर बन गया। इस नाम से कोई स्टेट बना हुआ नहीं है इसलिए एरर दे रहा है, तो मैं इस नाम से एक स्टेट भी यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा शुरू में आप हो गए एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ पे सिटी नेम, ठीक है। तो एक्चुअल में अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इस इनपुट के अंदर ना जब भी कोई चीज़ लिखी जाएगी ऑन चेंज, तो ये इतना फंक्शन ना एक बार रन होगा, और इतना फंक्शन एक बार रन होगा तो करेगा क्या, ये करेगा ये ऑन चेंज पे ना इवेंट मिलता है कि चेंज में अभी क्या लिखा गया, यानी जिस चीज़ में चेंज ऑन चेंज चल रहा है उसकी पूरी वैल्यू मिलती है, तो वो पूरी वैल्यू मैं सेट सिटी नेम में सेट करवा दूँगा। तो एट एनी गिवन टाइम मुझे स्टेट वेरिएबल में क्या मिलेगा, जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ वो मिलेगा एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या चीज़ मौजूद है, ये सिटी नेम मौजूद है, तो मुझे ये गेट एलिमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख दूँगा आगे, ये सिटी नेम मैंशन कर दूँगा, ठीक है। कि क्यों, अगर मैं लिख के जो क्यू में अगर मैंने कराची लिखा है तो वो इधर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये सिटी नेम नहीं मांग रहा है यहाँ पे मांग रहा है कोई भी क्वेरी, जाहिर है न्यूज़, जैसे मैं अगर गूगल के न्यूज़ में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं जाके क्या लिखता हूँ, यहाँ पे एक तो मैं लिख देता हूँ टॉप स्टोरीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कराची लिखूँगा तो ये कराची से रिलेटेड सारी न्यूज़ मुझे ला कर दे देगा, ठीक है, कि कराची में क्या हो रहा है, अपार्टमेंट फायर बर्न्स फाइव पीपल, ठीक है, फाइव आवर अगो, ऐसे करके, ठीक है। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग शॉर्टेज इन कंटिन्यूस कराची, ठीक है। तो ये सारी ना कराची से रिलेटेड न्यूज़ लेकर आ गया। तो क्वेरी में ज़रूरी नहीं है कि मैं सिटी का नाम लिखूं, मैं कुछ भी इसके अंदर लिख सकता हूं। तो आई थिंक मुझे इसका नाम भी चेंज रखना, अपने स्टेट का नाम भी जो है ना चेंज करना चाहिए, मुझे अपने स्टेट का नाम, हाँ बोलो, अभी अभी आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, ठीक है। इसको क्वेरी कर देता हूँ, सही है, क्वेरी, और ये जो सेट सिटी नेम है इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेट क्वेरी कर देता हूँ, सही है। सब जगह पे मैंने ये चेंज कर दिया, जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ था ना ये, यहाँ भी चेंज कर दिया, वहाँ भी चेंज कर दिया। तो इसका मैंने स्टेट का नाम अपने चेंज कर दिया, क्योंकि नाम रेलिवेंट हो तो ज़्यादा सही लगता है। अच्छा, तो अब जैसे ही मैं बटन प्रेस करूँगा, अब देखो अभी क्या हो गया, एक फॉर्म है मेरे पास, उसमें मैं कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखूंगा, डेसिट लिखता जाऊंगा टेक्स्ट, तो वो क्वेरी के स्टेट में जाके सेव होता जाएगा। बटन प्रेस करूंगा ऑन सबमिट का, तो गेट न्यूज़ का फंक्शन रन हो जाएगा। गेट न्यूज़ का फंक्शन देखो क्या कर रहा है, गेट न्यूज़ का फंक्शन यहाँ से शुरू है, ये पूरी एक रिक्वेस्ट को तैयार करता है। अच्छा, इस रिक्वेस्ट के अंदर ना API की पहले से रैपिड API वालों ने बना के दे दी है, तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद उसको भेजा जाता है रिक्वेस्ट को, रिस्पॉन्स के अंदर मुझे रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके वो पूरा का पूरा जो डेटा है न्यूज़ का वो मिल जाता है। उसको मैंने स्क्रीन पे क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। तो अब ज़रा देखते हैं इतनी ऐप को रन करके कि ये कैसी चल रही है ये ऐप। ओ, मैंने सब बंद कर दिया, ये तो एक को तो खोल के रखे ना जिस पर काम चल रहा है। अच्छा, इस ऐप को मुझे रन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आके NPM स्टार्ट लिख दूंगा तो ये रन हो जाएगी ऐप।
अभी तक हमारे पास कुछ इस तरह की एक ऐप बन चुकी है। अभी इसमें प्लेस होल्डर में स्टिल लिखा हुआ है सिटी नेम, तो ये प्लेस होल्डर को भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सिटी नेम नहीं होगा। एंटर योर टॉपिक, सही है टॉपिक। अच्छा मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्पल और गेट न्यूज़ का बटन प्रेस कर दिया। क्या बोला इसने, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड और रिक्वेस्ट। लाइन नंबर कितने पे आया ये रिक्वेस्ट का एरर, cannot write property of undefined reading request। ये एक्सियोस उसको मिल नहीं रहा है, डॉट रिक्वेस्ट तो और कहीं पे भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ यहीं लगा हुआ। डॉट रिक्वेस्ट तो और कहीं पे भी नहीं, इधर ही है सिर्फ। एक काम करते हैं, इसको जो प्रॉपर तरीका है उससे इम्पोर्ट करते हैं, ये हटा देते हैं। मुझे लग रहा है इम्पोर्ट एरर तो नहीं दिया उसने, लेकिन चलने भी नहीं दे रहा। ठीक है, अच्छा मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है ना, मैं एंटर करता हूँ मेरा पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो पेज रिफ्रेश को रोकने के लिए मुझे क्या करना होता है इसमें, एक तो हम वहाँ पे लगाते थे रिटर्न फॉल्स, लेकिन उसका एक बेहतर तरीका जो है जो ये वाला है कि जो आपका सबमिट का फंक्शन है उसमें आप ये इवेंट रिसीव कर रहे होते हैं, और यहाँ पे आप लिखते हैं इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट सेव। ठीक है, ताकि वो क्या करता है, अच्छा ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर सारे ही रोक देता है, आपका फॉर्म फिर रीसेट भी खुद से नहीं होता, वो भी आपको मैनुअली करवाना होता है ना, वो भी देखते हैं हम कैसे होता है मैनुअली। मैं दोबारा एप्पल लिखा और एंटर किया, अच्छा तो ये देखो मेरे पास क्या आ गया, डेटा आ गया सारा। अच्छा डेटा के अंदर मुझे अब देखो क्या क्या दिख रहा है, उसको ज़रा जूम इन कर लेते हैं। डेटा के अंदर मुझे क्वेरी का कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है सबसे पहले। ठीक है, एडल्ट इंटेंट फॉल्स, ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्वेरी जो है वो एप्पल थी, वो इसने बता दिया मुझे। और क्या है भाई, रीड लिंक, शायद इस पेज पे अगर आप जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्लिक करके इस पेज पे चले जाएँ। सॉर्ट वैल्यूज़, हाँ आई थिंक ये जो वैल्यूज़ है ना ये मेरी न्यूज़ है एक्चुअल। अच्छा मुझे इस पर क्या क्या मिलता है, वैल्यूज़ के अंदर मुझे तकरीबन 10 न्यूज़ आर्टिकल्स मुझे मिले हैं यहाँ पे। अच्छा उन हर न्यूज़ आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक अदर डेट लिखी हुई है कि ये कब पब्लिश हुआ है, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, कुछ उसका टाइटल लिखा हुआ है, उसमें कुछ इमेजेस भी हैं, थंबनेल्स हैं, ठीक है, और उसकी विड्थ हाइट भी बताई हुई है कि उसकी विड्थ हाइट क्या है। अच्छा उसके अलावा प्रोवाइडर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये कहाँ से आ रहा है, ये सी नेट वालों के पास से आ रहा है, तो ये प्रोवाइडर का भी मेंशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने फ़िलहाल के लिए इसका नेम और डिस्क्रिप्शन जस्ट स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये काम मैं कैसे करूँगा, मैं ये करूँगा कि ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट वैल्यूज़ था ना, वो डेटा डॉट वैल्यूज़, ठीक है, इसको मैं कहाँ पर रखवा दूँगा, इसको मैं रखवा दूंगा सेट डेटा और सेट डेटा के अंदर। सही है, मेरे पास एक स्टेट बनाया हुआ था ना मैंने डेटा के नाम से, जो कि शुरू में एम्प्टी एरे था, अब उसमें मैंने एक 10 इंडेक्सेस वाला जो एरे था ना वो यहाँ रखवा दिया मैंने। सही है, मेक सेंस है अभी तक सब कुछ। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूँ ताकि ये सही है, एक्सियोस डॉट रिक्वेस्ट ऑप्शन यहाँ पास हुआ, देन के ऊपर ये चलेगा, कैश के ऊपर ये चलेगा, ये जब देन चलेगा तो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होगा, जब ही देन चलेगा तो मैंने सेट डेटा के अंदर वो लगवा दिया। कैच को मैंने अभी फिलहाल हैंडल नहीं किया, असूलन मुझे कैच को कैच के अंदर भी ना स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करवाना चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं वो नहीं कर रहा, फिलहाल मैं सिर्फ सक्सेस को हैंडल कर रहा हूँ, कैच को हैंडल मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अब जब मेरे पास ये सेट डेटा चला गया ना उसके अंदर, उस स्टेट वेरिएबल के अंदर, तो अब वो स्टेट वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो चुका है, मुझे उस स्टेट वेरिएबल को क्या करना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। मैं कैसे उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाऊंगा, एक डिव बनाई मैंने और उसमें यहाँ पे डेटा ऐसे डिस्प्ले करवा दूँ। हाँ भाई क्या लगता है, हो जाएगा ऐसे डिस्प्ले, देखते हैं क्या होता है। दोबारा ऐप पे लिखा हुआ है, गेट न्यूज़ का बटन प्रेस कर दिया मैंने,
पर मिनट असल में तीन ही रिक्वेस्ट अलाउ करता है। क्या मैंने गलत लिखा है कुछ? वैल्यूज़ में एस नहीं लिखा मैंने शायद, देख लेते हैं यहाँ पे ये रिस्पॉन्स में क्या ला रहे हैं। क्या है, हाँ वैल्यू में एस नहीं है, हालांकि ये होना चाहिए था एस यहाँ पे क्योंकि इसमें एरे मौजूद है। ठीक है वैल्यू है भाई, एस नहीं है। ठीक है यहाँ भी एस नहीं है और यहाँ भी एस नहीं है। ठीक है बैड प्रैक्टिस फॉलो की गई है। ठीक है देखो अब डेटा मेरे पास आ तो गया, स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने उसको रेंडर करने की कोशिश की ना तो उसने बोला ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड। ऑब्जेक्ट को आप ऐसे सीधा सीधा स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करवा सकते, इसके लिए मैप चलाना होगा। अच्छा सीधा सीधा स्क्रीन पे क्या प्रिंट करवा सकते हैं आप? नंबर, स्ट्रिंग, बस बूलियन। बूलियन दिखेगा ही नहीं आपको स्क्रीन, बूलियन आप ट्रू करवाएंगे वो नहीं दिखेगा स्क्रीन में, फॉल्स करवाएंगे वो भी नहीं दिखेगा। ठीक है कंडीशन लग सकती है उसमें लेकिन वो स्क्रीन पर डिस्प्ले डायरेक्ट नहीं होता, एरर भी नहीं देता वो लेकिन डिस्प्ले भी नहीं होता। अच्छा तो सिर्फ नंबर और स्ट्रिंग को आप स्क्रीन पर डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट या एरे को आप स्क्रीन पर डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवा सकते। ठीक है तो अब मुझे करना ये होगा कि मुझे इस जगह पर अब एक अदद चाहिए, मैं डेटा पे डॉट मैप चलाऊँगा ऐसे करके। सही है ओके, मैं क्या कर रहा हूँ ये हाँ, तो ये मैंने एक आधा डिव बनाया है और इसके अंदर मैं अब क्या करूँगा, मैं बोलूँगा डेटा डॉट मैप। सही है और जब डेटा पे मैप चलेगा, अच्छा मैप सिर्फ उस सूरत में चलेगा जब उसमें कुछ कुछ एरे में आइटम्स होंगे, अगर एरे में आइटम ज़ीरो है ना तो ये मैप फिर नहीं चलता है। ठीक है अच्छा जब जितनी बार ये मैप चलेगा मुझे ईच पोस्ट, शायद ये सही कह रहा है, ईच पोस्ट मुझे मिलेगी, पोस्ट कह लें या आर्टिकल कह लें वो मुझे मिलेगा। अच्छा और मुझे रिटर्न क्या करवाना है यहाँ से, जो भी बात रिटर्न करवानी है हमें पता है ना ES6 के फंक्शन में जब हमें रिटर्न अगर सिंगल लाइन में हो तो हमें रिटर्न का कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है तो मैं रिटर्न यहाँ पे सिंगल लाइन में ऐसे करके कर सकता हूँ। ठीक है ना डिफ, तो मैं एक्चुअल में क्या करने जा रहा हूँ अभी, ओहो यार ये क्या हो रहा है, आज कंट्रोल से बाहर है सब कुछ हाँ तो ये जो है ना मैं क्या करने जा रहा हूँ इसको सिंगल लाइन में लिखने जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे रिटर्न का कीवर्ड लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये सब लोगों को अग्री कर रहे हैं सब लोग, हमने ES6 का फंक्शन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि ES6 का फंक्शन में अगर एक पैरामीटर है तो ये गोल ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती फिर हमें, तो एक पैरामीटर है और उसके अलावा हमारे पास एक ही लाइन में रिटर्न हो रहा है और मैं उसको क्या करूँगा ऐसे करूँगा। अच्छा एहतियातन मैं क्या करूँगा इस पर गोल ब्रैकेट लगा लूँगा, सही कि भाई ये पूरा ना एक लाइन है, क्योंकि अभी मैं मल्टीपल लाइन में करने लगा हूँ तो उसको मैं बोलूँगा यार ये एक लाइन है, तो इसलिए मैंने ये एहतियातन गोल ब्रैकेट लगा ली। अब मैंने बोला कि यार इस डिफ के अंदर ना एक आप डिस्प्ले करोगे H1, ठीक है इस डिफ के अंदर एक होगा H1, H1 में क्या होगा ईच पोस्ट डॉट क्या था टाइटल था name. देख लेते हैं यहाँ पर नेम, सही है तो मैंने कहा कि यार नेम। ठीक है अच्छा इसको मुझे क्योंकि अब मैं देखो एक तो ये था मेरे जावास्क्रिप्ट का, लेकिन अब इस जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं एक और JSX लिख रहा हूँ, तो अब उस JSX में वो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए ना मुझे कर्ली ब्रैकेट दोबारा चाहिए होगी यहाँ पर। ठीक है ये हो गया, अब मुझे क्या चाहिए फिर एक अदद H3 शायद लिख देते हैं H3 और इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन था आई थिंक डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा इन दोनों के दरमियान में मुझे चाहिए डेट पब्लिश, कि पब्लिश का डेट क्या था, पब्लिश के डेट के लिए मैंने एक स्पैन लगा दिया यहाँ पर और स्पैन में मैंने क्या लिखा, मैंने कहा कि भाई ईच पोस्ट डॉट डेट पब्लिश्ड। ठीक है ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ,
और इसके लास्ट में मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, इसका जो कंटेंट है इस आर्टिकल का, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। कंटेंट ये कहाँ से दिखाएगा मुझे? ऐसा कंटेंट है ही नहीं इसमें, दिखाई नहीं रही। डिस्क्रिप्शन कितना लंबा है? पेस्ट करते हैं ना, ये है डिस्क्रिप्शन। नहीं इतना लंबा नहीं है, छोटा सा ही है। अच्छा वेल, इतने को तो पहले देखेंगे कि क्या हुआ है अभी तक। ये आ गया स्क्रीन पे हमारे, सही है जी। इसको मैंने जूम इन थोड़ा ज्यादा किया हुआ है, ये है एक्चुअल में, ये सही है जी। ये ये डेट उसने जिस तरह भेजी है उसी तरह ही है। अभी इसको हम सही करते हैं, इसको मूवमेंट लगा देंगे इसके अंदर। मूवमेंट की जो लाइब्रेरी है उससे हम इसको फॉर्मेट कर लेंगे अपनी मर्जी का। अभी इसमें मेरी मर्जी का फॉर्मेट नहीं हुआ, मैं इसको ये मिली सेकंड में नहीं आ रहा है, इसको ISO फॉर्मेट कहते हैं, ISO डेट फॉर्मेट। लोकल वो भी कर सकते हैं लोकल डेट स्ट्रिंग, लेकिन लोकल डेट स्ट्रिंग में फिर वो पूरा लंबा वंजन होता है। डेट भी होता है, टाइम भी होता है, मंथ भी होता है, ईयर भी होता है, और भी GMT+5 भी लिख रहा होता है। ठीक है, तो वो सही है, लेकिन आप क्या करेंगे, हमें वो नहीं चाहिए, हमें थोड़ा और कस्टमाइज्ड वे चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट वे है मूवमेंट, हमारे पास अवेलेबल है, बेस्ट लाइब्रेरी है। अच्छा अब देखो, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ ना जब, और मैं दोबारा से यहाँ पे एप्पल लिख के, या कोई भी दूसरी मैं लिख देता हूँ कराची, सही है, कराची लिख के मैं और एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे ना डेटा तो प्रिंट होता है मेरा स्क्रीन पे आके, लेकिन कॉन्सोल में मुझे ये एक अदद एरर भी दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। कह रहे हैं कि जब आप चला रहे हो ना ये मैप, जब आप क्या चला रहे हो, ये आप जब मैप चला रहे हो तो आपको, आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करोगे, ये जो मैप का मतलब होता है ये रिपीट हो रहा है, ये वाला आइटम 4, 5, 6, 10 बार रिपीट होगा। तो इस रिपीट होने वाले आइटम पे आपको एक की करके प्रॉप देना पड़ता है, जो कि क्या हो, जितनी दफ़ा मैप चली है यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिक इसमें मेरे ख्याल है पोस्ट का नाम जो है वो हर दफ़ा अलग ही आता है। ठीक है, तो मैं पोस्ट का नाम यहाँ पे दे देता हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो यहाँ पे यूनिक है ना वो मैं इसको दे सकता हूँ। मैं इसका इंडेक्स भी दे सकता हूँ, जैसे मैप में ना मुझे एक तो डेटा मिलता है साथ में इंडेक्स, तो इंडेक्स भी मैं लगा सकता हूँ। कोई भी ऐसी यूनिक चीज़ मैं यहाँ दे दूंगा तो उसको समझ में आ जाता है। जी दोस्त, नंबर स्ट्रिंग कुछ भी दे दें, उससे मसला नहीं है। अब मैं कराची लिख के एंटर करूँगा तो अब स्क्रीन पे कोई एरर नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ यार, थोड़ी सी इस पर स्टाइलिंग कर देता हूँ। इस डिफ को मैं क्या नाम दे देता हूँ, इस डिफ को मैं कह देता हूँ कि आप क्या हो, क्लास नेम आप हो पोस्ट। ठीक है, और पोस्ट को मैं, ये मेरे पास CSS की एक फाइल है app.css, यहाँ जाता हूँ मैं सब कुछ उड़ा के, मैंने कहा डॉट पोस्ट जो है ना उसमें क्या हो जाए, बॉर्डर हो जाए। ठीक है, 1 pixel सॉलिड और ब्लैक, सही है। उसके अलावा क्या हो जाए, बॉर्डर रेडियस हो जाए 30 pixel, सही है। उसके अलावा बैकग्राउंड कलर हो जाए थोड़ा, और मैंने कहा कि कुछ ग्रे कर देता हूँ मैं, और फिर ग्रे को ना यहाँ सेलेक्ट करके मैं लाइट ग्रे बिल्कुल बना देता हूँ, बिल्कुल लाइट सा मैंने इसको ग्रे कर दिया। ठीक है, और मैंने कहा कि थोड़ा सा मार्जिन हो जाए ताकि आप आपस में एक दूसरे से दूर दूर हो जाए, 20 पिक्सल का मार्जिन दे दिया। और मैंने कहा कि यार पैडिंग भी आप 20 पिक्सल की ले लें। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये दिखने लग गया। हाँ भाई, मच बेटर। तो ये हमारे पास में एक API की इंटीग्रेशन। अच्छा, अभी तक इसमें यूज़ इफेक्ट आया नहीं है, अभी वो आएगा, थोड़ी देर में आएगा यूज़ इफेक्ट। ठीक है, ये अभी तक वही चल रहा है जो आप कल तक ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, ये वही चल रहा है, ये मैं आपको जस्ट उसको डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, ऐसे चल कैसे रहा है। तो ये जो आपका फॉर्म है ना, ये बेचारा बहुत छोटा सा हो गया इसके सामने,
और जो आपकी पोस्ट है वो बहुत बड़ी पोस्ट हो गई है. वेल तो यहाँ पे मैं जो भी कुछ लिखूँगा सर्च करूँगा तो ये चलेगा. अब हमें अगला काम ये करना है कि ये जो भाई ये टाइम आ रहा है ना इसको मुझे क्या करना है, मेरी मर्ज़ी के फॉर्मेट में लाना है. तो मैं उसके लिए जाऊँगा मोमेंट जे एस एंटर. अब देखो मोमेंट जे एस की वेबसाइट पे गया, इन्होंने कैसे इंस्टॉल करना बताया हुआ है. इन्होंने बोला एन पी एम इंस्टॉल मोमेंट माइनस माइनस सेव. अच्छा माइनस माइनस सेव लगाना अब ऑप्शनल है तो मैं माइनस माइनस सेव नहीं लगाता हूँ. मैं इधर आता हूँ और अपने प्रोजेक्ट में आके मैंने क्या बोला, मैंने मेरे प्रोजेक्ट में आके बोला कि प्रोजेक्ट को रोको पहले तो, और रोकने के बाद एन पी एम आई मोमेंट लगा दो. सही है तो मेरे प्रोजेक्ट में मोमेंट जे एस इंस्टॉल हो गया. अब मुझे उसको क्या करना है, इम्पोर्ट भी करना है. तो मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट मोमेंट फ्रॉम मोमेंट सॉरी हाँ नहीं वो चल नहीं रहा ना, एरर दे दिया था उसने, उसने चलने में एरर दे दिया था. तो वो बिला वजह रहेगा ना, तो यार ये पड़ोस में जो क्लास शुरू होती है ना जो, तो फिर ये होता है. वेल अब इन्होंने ये एक फॉर्मेट का तरीका बताया हुआ है. इसने बोला मोमेंट डॉट फॉर्मेट और ये फॉर्मेट है. ऐसे करके लिखने से क्या होगा, कुछ इस तरह का फॉर्मेट बना हुआ आ जाएगा. ठीक है और मुझे यही चाहिए, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली यही फॉर्मेट चाहिए वहाँ पर. राइट तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं इसकी जगह पे ये जहाँ पे मैंने ये बात लिखी हुई है ना डेट पब्लिश्ड, इसके ऊपर मैं ऐसे लगाऊँगा और मैं बोलूँगा मोमेंट. और मैंने कहा कि भाई डॉट फॉर्मेट सही है, इसको दो लाइन में भी ब्रेक भी कर सकता हूँ मैं अगर चाहूँ तो. सही है मैंने कहा स्पैन में ना मुझे क्या चाहिए, ये जो स्पैन है इसके अंदर मुझे ये वाला चाहिए. अच्छा उन्होंने अब डॉक्यूमेंट्स में ना मोमेंट के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ, पास नहीं किया हुआ ये. इन्होंने डॉक्यूमेंट में अगर आप देखें तो ये मोमेंट खाली है अंदर से. ये खाली रखने का मतलब क्या होता है कि सिस्टम का टाइम ना, अभी जो सिस्टम में टाइम हो रहा है वो लेकर आएगा और उसको फॉर्मेट करेगा. लेकिन मेरे पास एक टाइम मौजूद है पहले से, मुझे इस टाइम को एक बेहतर फॉर्मेट में दिखाना है तो मैं उसको वो टाइम पास करूँगा. ये फिर चलाइए, तो देखते हैं जी ये कि अब इसको प्रॉपर तरीके से टाइम को ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा. रिफ्रेश कर दिया मैंने इस पे, अच्छा वो रोक दिया ना मैंने, मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा एन पी एम स्टार्ट. राइट यार असल में पता है क्या हो रहा है, उनका वाला ना प्रोजेक्टर ऑन नहीं है, यहाँ पे दो ही प्रोजेक्टर आ रहे हैं. अब वो उस पर क्लिक कर रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आ जाए इसमें, वो बगैर नाम देखे ना उस पर क्लिक कर रहे हैं और उनका यहाँ पे आ रहा है वो. अच्छा इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और दोबारा से मैं इस पर कराची लिख के और एंटर का बटन प्रेस करता हूँ. तो ये मेरे पास जो है ना, अब आप देखें ये डेट इस तरह से अब लिखी हुई आ रही है. ठीक है परफेक्ट है. अगर मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है, मिसाल के तौर पर मुझे अक्टूबर को बाद में लाना है और 19th को पीछे लेके जाना है, तो मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ. मैं ये अक्टूबर इससे लिखा हुआ था ना, इसको मैं कट करूँगा और मैं बोलूँगा कि अक्टूबर बाद में लिखा हुआ है, 19th पहले अक्टूबर बाद में, फिर उसके बाद फुल ईयर. सही है ऐसे देखो आगे. अच्छा 2022 मुझे पता है कि यार 2022 चल रहा है, मैं चाहता हूँ 2022 डिस्प्ले नहीं हो, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 2022 को वाइप करवा देता हूँ, नहीं होगा 2022 डिस्प्ले. फिर उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो 6:52 AM लिखा हुआ रहा है ना, तो ये इसके साथ सेकंड भी आ रहा है, सेकंड की मुझे ज़रूरत नहीं है न्यूज़ में, मुझे बस इतना पता चल जाए कि 6:52 पे ये न्यूज़ है तो काफ़ी है. सही है तो मैं क्या करूँगा, ये लास्ट में SS को मैं हटा दूँगा. अब ये फॉर्मेट में क्या क्या कुछ लग सकता है, ये मोमेंट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन में पूरा लिखा है. लेकिन फिलहाल मैंने जो मुझे अभी कस्टमाइजेशन चाहिए थी मैं फिलहाल वो कर ली है मैंने. तो ये मेरे पास क्या हो गया, 19th अक्टूबर और ये टाइम लिखा हुआ गया. जी दोस्त हाँ हाँ
वो भी इसमें फ्रॉम नाउ करके आता है, आप उसमें कंडीशन लगा लेंगे कि अगर वो फ्रॉम नाउ करेंगे आप, और फ्रॉम नाउ करके आप कंडीशन लगा लेंगे कि यार कितने दिन पहले की पोस्ट है, तो उस पर कंडीशनली आप ये कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। जैसे आप उसका ना उसको डेट बना के, उसको डेट बना के गेट ईयर अगर आप करते हैं, और अगर इस साल से पिछले साल की पोस्ट है, ये अगर आप उसको जैसे इसमें फ्रॉम नाउ का एक ऑप्शन होता है ना, फ्रॉम नाउ इसमें रिलेटिव टाइम करके आ रहा होता है, वो भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा था ऊपर, हाँ ये रहा, ये रहा फ्रॉम नाउ, ये रिलेटिव टाइम जो है ना, ये रिलेटिव टाइम आप गेट करेंगे और आप इसमें कंडीशन लगा देंगे कि यार अगर फला फला से ज़्यादा आ रहा है तो आप फिर इसको क्या कर दो, फुल डेट दिखा दो, अदरवाइज फ्रॉम नाउ करके दिखाते रहो, सही है। मिसाल के तौर पर अगर इसमें आप इस तरह कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे इन टू आवर्स है या वन डे अगो है, तो अगर ये जो आपका जब आप फ्रॉम नाउ गेट करते हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है, फ्यू सेकंड्स अगो, फ्यू मिनट अगो, फ्यू आवर अगो, सही है। ये आवर के बाद फिर आएगा फ्यू डे अगो, तो आपने कहा कि यार सेकंड मिनट और आवर अगर इसमें है ना तो आप फ्रॉम नाउ दिखा दो, अगर ये तीनों नहीं है तो इसका मतलब है कि वो डेज अगो और एयर अगो वाला चक्कर है, तो फिर फुल डेट दिखा दो, या बहुत इजीली इस पे कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। या एक तरीका और भी हो सकता है कि आप उसको पूरे टाइम को मिली सेकंड में कन्वर्ट करें, और मिली सेकंड में कन्वर्ट करके ना आप 24 आवर का जो मिली सेकंड होता है वो उससे माइनस करके देख लें कि हाँ यार ये अगर जो अभी मुझे न्यूज़ की जो मिली सेकंड में टाइम मिला है वो क्या अभी जो करंट टाइम है उससे 24 आवर पीछे का है, तो फिर आप फुल डेट दिखा दो, अदरवाइज फ्रॉम नाउ करके दिखा दो कि भाई फ्यू मिनट्स अगो, इस तरह जो भी। तो जो आप प्रोग्रामिंग के अंदर ना जो आप सोच सकते हैं ना वो हो सकता है, सही है। और कराची के अंदर जो आप कभी भी नहीं सोच सकते वो भी हो सकता है जैसे ही अभी इलेक्शन पोस्टपोन हो गया, अनलिमिटेड ड्यूरेशन, इनफिनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसको कहते हैं ना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इलेक्शन आपके पोस्टपोन हो गए। ये बेचारे इतना पैसा लगाते हैं, इलेक्शन की कंपेन चलाते हैं, वो आगे से कहते हैं अब अगले महीने होगा कनेक्ट हो गई दोबारा। अच्छा भाई, अब हमें अगला काम इसमें क्या करना है, अगला काम इसमें हमें ये करना है कि हमें इस आर्टिकल को रीड करने का कोई ऑप्शन तलाश करना है, सही है। आ जाते हैं अब अपनी एपीआई में वापस। असल में जो न्यूज़ मेरे पास आ रही है ना, इसके साथ ये पता है क्या दे रहा है, इसके साथ दे रहा है एक अदद लिंक कि इस लिंक पे ले जाओ, पूरे इस लिंक के ऊपर ले जाओ, ये रहा यूआरएल जो दे रहा है। अब ये यूआरएल पे अगर मैं जाता हूँ ना तो मुझे पूरा दिख जाता है, जैसे देखो ये इलेक्शन पोल है ना, पोस्टपोन्डेड येट अगेन, तो ये मुझे ना पूरा ये दिख जाता है, ये पूरा आर्टिकल मुझे यहाँ दिख जाता है। लेकिन अगर मुझे इस आर्टिकल का टेक्स्ट पूरा अपने पास चाहिए तो वो ये नहीं दे रहा है, वो टेक्स्ट ये नहीं दे रहा है। तो आई थिंक फिर मुझे ना इसको यही करना पड़ेगा कि इसके ऊपर एक एंकर टैग लगा के जब क्लिक करे बंदा तो वो नए टैब में वो वाली वेबसाइट पूरी ओपन कर दे, तो ये शायद मुझे करना होगा, है ना। बटन या एंकर टैग ही ज़्यादा सही है। तो मैंने कहा कि भाई एंकर टैग है इसमें आपका, और HREF जो है वो क्या चीज़ है, ओके HREF ये नहीं है, HREF यहाँ से मुझे क्या नाम था इसका, URL, तो मैंने कहा ईच पोस्ट डॉट URL। जी दोस्त,
हाँ तो अभी करूँगा ना उसको, आखिर तक पहुँच तो जाएगा मुझे। ठीक है, उसका साइज़ छोटा हो गया तो ज़रा उसका साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं। इसके साइज़ के लिए मैं क्लास नेम इसको दे देता हूँ टाइटल। सही है, क्लास नेम इसको मैंने टाइटल दे दिया। टाइटल करके ना यहाँ पे कुछ CSS लगा देता हूँ। मैंने कहा डॉट पोस्ट के अंदर जो डॉट टाइटल है उस पर क्या करूँ, उसका जो साइज है फॉन्ट साइज वो 32 पिक्सल कर दो, और उसका जो डिस्प्ले है वो कर दो ब्लॉक। सही है, डिस्प्ले ब्लॉक करने से क्या होगा, ये सेम लाइन में जो वो आ जा रहा था ना टेक्स्ट, अच्छा इसको बोल्ड भी करवा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है फॉन्ट वेट, बोल्ड। सही है, बोल्ड हो गया। अब मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे ये कहाँ ले जाएगा, उसी पेज पे लेकर चला जाएगा, जो कि मैं चाहता नहीं था। मैं चाहता था यहीं पे डिस्प्ले हो, लेकिन हमारी जो न्यूज़ की API है ना वो हमें टेक्स्ट दे ही नहीं रही है उसका, जो कि उसको देना चाहिए था लेकिन वो नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये तो हमने भाई काम करवा लिया फिलहाल। इसमें अब इमेज वगैरह भी आ रही है, वो भी डिस्प्ले करवा के देख लेंगे कि वो कैसे डिस्प्ले हो रही है। इमेजेस इसमें आ रही हैं, अच्छा इमेज कुछ में आ रही है कुछ में नहीं आ रही है। अच्छा ये तो डेटा पूरा आ रही है, दोबारा कराची लिख के ज़रा डेटा एड कर लेते हैं। अब इसमें जो इमेज आ रही है ना वो हमने डिस्प्ले करवानी है, ताकि यहाँ पर कुछ हमें, अच्छा इमेज, उसके बाद थंबनेल, और थंबनेल के बाद कॉन्टेंट URL। सही है, ऐसे करके मुझे इमेज मिलती है। और इस ज़रा URL को मैं एक दफ़ा नए टैब में लगा के भी देख लूँ कि वाकई ये इमेज ही दे रहा है मुझे, या हाँ इमेज दे रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा ही छोटे साइज़ में नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा ही छोटे साइज़ में दे रहा है मुझे ये। ये बड़े साइज़ में मुझे चाहिए इमेज तो मैं कैसे लूँगा। लास्ट में जो उसमें लिखा हुआ है ना PID करके, वो मैं हटा रहा हूँ तो ये फिर बड़ी करके मुझे देने लग जा रहा है। PID न्यूज़ को हटाता हूँ ना मैं जब, तो ये मुझे बड़ा करके देने लग जाता है। सही है, स्क्रीन ही हट गई। पिक्सल क्या नहीं, बस मैक्सिमम साइज़ यही है शायद। अच्छा तो मैं अब आता हूँ, और अब आके मैंने क्या करना है, ये जो डिस्क्रिप्शन थी, डिस्क्रिप्शन के नीचे मुझे इसकी एक इमेज दिखानी है, राइट। तो मैं यहाँ पे IMG का एक टैग लगा देता हूँ, और IMG के टैग में जो SRC है मेरा, SRC में मैंने क्या देना है, मैंने देना है ईच पोस्ट डॉट डॉट IMG डॉट डॉट इमेज पूरा है। अच्छा कॉन्टेंट URL भी है उसके अंदर। अच्छा क्या हुआ, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड थंबनेल। अच्छा ये इस वजह से आ रहा है एरर कि सम टाइम, ये इतने सारे हैं ना जो कुछ में इमेजेस नहीं है। सही है, जैसे देखो इस वाले में ना इमेज नहीं है, इस वाले में है, सेकंड वाले में इमेज नहीं है। अब इमेज अगर नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कि जब गेट करेगा ना कि ईच पोस्ट डॉट इमेज, वो इमेज ही नहीं मिलेगा, अनडिफाइंड कोड ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क होता है, नलिश ऑपरेटर कहते हैं इसको, ये हम इस्तेमाल करते हैं कि
क्योंकि जाहिर है API से जब डेटा आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वो डेटा आ ही जाए, कभी वो डेटा मेल फॉर्म भी डेटा आता है। तो मैं हमेशा ये सेफ्टी लगाता हूँ, जहाँ जहाँ डॉट लगा हुआ ना वहाँ वहाँ मुझे ये क्वेश्चन मार्क लगाना है। मिसाल के तौर पर किसी में डेट पब्लिश अगर नहीं आई, मिस हो गई, तो मेरा कोड ब्रेक हो सकता है। तो मैं सब जगह नलिश ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। सही, अब इससे क्या होगा, अगर मिसाल के तौर पर ईच पोस्ट डॉट नेम अगर नहीं आया, अगर सही है, या URL ये नहीं आया, तो यहाँ पे उसकी जगह पे अनडिफाइन आ जाता है, कोड ब्रेक नहीं होता मेरा। आगे देखते हैं, अब मैंने यहाँ पे दोबारा कराची लिखा, तो अब आप देखें कुछ में इमेज आ गई है और कुछ में इमेज जहाँ पे नहीं थी वहाँ पे शो ही नहीं हुई। सही है ना, काफ़ी सही काम हो गया ये। तो ऐसा अक्सर आपके साथ होगा कि आप कोई API कॉल करेंगे ना, उसके अंदर कुछ होगा ही नहीं, इमेज नहीं होगी कभी, कभी टाइटल नहीं होगा, कभी डेट नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ें ना होती रहती हैं हमारे साथ। अच्छा, मैंने क्या करना था, इसमें से लास्ट वाला पार्ट जो है ट्रिम करके हटाना था, ताकि मुझे बड़े साइज़ की इमेज दे, राइट? तो वो क्या पार्ट था जो मैंने ट्रिम किया था, ज़रा दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे लाके मैं इसको ज़रा रख लेता हूँ, ताकि यहीं पे हाथ के आगे इसको ट्रिम करें। सही है, ये जो PID इक्वल्स टू न्यूज़ है ना, ये मैंने इसमें से हटाना था। सही है, अब ये कैसे हटेगा इसमें से, कौन मुझे बताएगा? स्प्लिट करके हटेगा, पक्का? स्प्लिट कर दिया, क्या लिखूँ इसके अंदर मैं, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, बताओ क्या लिखूँ इसके अंदर स्प्लिट में? वो URL पूरा लिख दूँ, क्या लिखूँ यहाँ पे, एंड M% लिखूँ, क्या लिखूँ? अब वो URL, हाँ ये URL ही रहा। ये रहा वो URL, ये लास्ट पार्ट है इसका, ये मैंने रिमूव करना है, दिख रहा है ना ये? इसमें मैं क्या लिखूँ, M% लिखूँ, M% से स्प्लिट कर देगा, आगे वाला पार्ट उधर, पीछे वाला पार्ट इधर, दो इंडेक्सेस दे देगा मुझे एरे के। वो सही है तरीका, ये कितने लोगों का ख्याल है कि तरीका सही है? बताओ कितने लोगों का ख्याल है? डॉट रिप्लेस करके क्या लिखूँ मैं, डॉट रिप्लेस यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा? अब इसमें क्या लिखूँ मैं अंदर, ये टेक्स्ट लिख दूँ जो मुझे रिप्लेस करना है, और एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है, क्या ये तरीका सही है? पक्का? देखो असल में ये सही और गलत को समझने के लिए ना, पता है मैं क्या समझना पड़ेगा, ये जो है ना क्वेश्चन मार्क के बाद जो आ रहा होता है, ये मैं पूरा URL यहाँ पे कॉपी करके ना पेस्ट करता हूँ, इससे समझ आएगा फिर। वो तो गया सही, लेकिन वो समझ लो ज़रा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो ये है URL, यहाँ तक ना URL है, सॉरी यहाँ तक URL है, उसके बाद जहाँ से लगा हुआ ना क्वेश्चन मार्क, यहाँ से शुरू हो जाते हैं क्वेरी पैरामीटर्स। ये एक क्वेरी है इसके अंदर, और एंड लगा के फिर ये दूसरी क्वेरी है। ये क्वेरी का जो सीक्वेंस है ना, ये अगर चेंज भी हो जाए तो ये सही रहता है। यानी जो मैं ये ID इक्वल्स टू करके जो पहला पैरामीटर दिया हुआ है और ये दूसरा दिया हुआ है, तो ये पहले वो वाला और फिर बाद में ये वाला देंगे तो भी सही है, ठीक है? अच्छा, अगर मज़ीद पैरामीटर इसमें देने होंगे तो एंड करके मैं सारे पैरामीटर दे सकता हूँ मैं, सही है? अच्छा, तो अब मैं अगर इसको M% से स्प्लिट मारता हूँ, तो कल को इसमें अगर 4-5 पैरामीटर हुए ना, वो सारे स्प्लिट हो जाएंगे। और आपने स्प्लिट करके पहला पार्ट उठाया ना अगर, तो वो सिर्फ पहला पैरामीटर आपको मिलेगा, बाकी सारे गायब कर देगा वो। तो ये तरीका सही नहीं हुआ था। अच्छा, रिप्लेस अगर मैं करता हूँ इसको, इमेजिन करूँ कि M% लगा के ना आगे और भी पैरामीटर है, ABC इक्वल्स टू कुछ है आगे भी, अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ अगर, और एम्प्टी स्ट्रिंग लगाता हूँ, तो बचेगा क्या भी चाहिए, डबल M% हो जाएगा। सही है, डबल M% एरर है।
तो अब बताओ क्या करना चाहिए यहाँ पर, एम परसेंट को मुझे रिप्लेस में ऐड करना चाहिए, एग्जैक्टली सही है, एम परसेंट मैं यहाँ पे ऐड करूँगा ताकि ये एम परसेंट और इसके साथ वाला आइटम दोनों उड़ा दे, ठीक है। लेकिन अब इमेजिन करो कि ये एम परसेंट, ये पीआईडी जो है ना, ये पीआईडी जो है ये शुरू में भी तो हो सकता है एंड, अब ये पीआईडी पहला पैरामीटर है, ऐसी सिचुएशन में वो फिर फेल हो गया आपका, क्योंकि अगर मैंने m परसेंट के साथ लगाया ना फिर तो इसको पकड़ेगा ही नहीं ना, ये तो आएगा ही नहीं पकड़ने। अब बोलो m परसेंट को, आगे m परसेंट मुझे बिल्कुल सही, इसने बोला m परसेंट मुझे इधर लगाना है, लेकिन अगर ये सिर्फ एक ही पैरामीटर हुआ आगे कुछ भी ना हुआ इसके, तो वो फिर पकड़ में नहीं आएगा। अब बताओ तो कोई ऐसा तरीका करना है कि ये हटे और सही हटे, प्रॉपर हटे। हाँ भाई, अच्छा अब एक मजे की बात ये है कि ये जो डॉट रिप्लेस है ना आपका, ये भी स्ट्रिंग रिटर्न करता है ना, तो इसके आगे मैं एक और डॉट रिप्लेस भी तो लगा सकता हूँ कि पहले इसको रिमूव करे और जो बच जाए उस पर एक और रिप्लेस लगा दो मैं, और मैं इसको बोलूँ कि अब क्या रिप्लेस कर दो आप। अब रिप्लेस करो आप ये एम परसेंट आगे वाला, ठीक है। तो अगर इसके पकड़ में नहीं आया तो इसके पकड़ में आ जाएगा, और अगर इसके भी नहीं आया तो लास्ट में मैं एक और रिप्लेस लगा देता हूँ, और इसमें ना, हाँ वही तो ना, ये एम परसेंट हटा के लगा रहा हूँ मैं। ये जब तीन रिप्लेस चलेंगे ना, जब एक एक यक के बाद दिख रहे हैं, तो ये सारे उड़ा देगा फिर, एक भी नहीं बचेगा। हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, दूसरा मिलेगा ही नहीं उसको। हाँ ना, दूसरे में वो बगैर रिप्लेस हुए चल जाएगा। सही है, तो मैंने तीन रिप्लेस लगाए एक के बाद दिख रहे। अगर तो मिसाल के तौर पे ये सबसे पहला पैरामीटर अगर होता है, सबसे पहला पैरामीटर है ना, तो इसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, लास्ट वाले को मिलेगा। सही है, लास्ट वाले को मिलेगा, ठीक है। और अगर इसके साथ मल्टीपल पैरामीटर्स हुए, यानी इसके बाद भी अगर कोई पैरामीटर हुआ एम परसेंट ऐसे, सही है, एम परसेंट लगा के ए बी सी इक्वल्स टू और कुछ हुआ है पैरामीटर, तो अब इसका मतलब है कि जब ये उड़ेगा यहाँ से, तो ये m परसेंट भी साथ में, अगर ये सिर्फ इतने को उड़ा दूँ तो m परसेंट, अब ये एरर है, तो ये क्या करेगा, ये किसके पकड़ में आ गया, ये सेकंड वाले के पकड़ में आएगा, पहले वाले में नहीं आएगा, लास्ट वाले में भी नहीं आएगा। लास्ट वाले में इसलिए नहीं आएगा कि लास्ट तक पहुँचते पहुँचते वो होगा ही नहीं मौजूद, वो ख़त्म ही हो चुका होगा। तो ये तीन रिप्लेस मैंने लगाए हैं एहतियातन, और आपको समझ में आ गया कि ये तीन क्यों लगाए हैं। ये तीन अगर मैं नहीं लगाऊंगा ना, तो कुछ केसेस में वो फेल होगा, ठीक है। अच्छा, एक ही काम को करने के कई दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है ना वही आप भी लिखें। मतलब ये तीन रिप्लेस जो है ना प्रोग्रामिंग में, एक ही काम को करने के कई मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वही पत्थर की लकीर, अब हमेशा ऐसे ही होगा। आपके पास कोई ऐसा सिचुएशन आ सकती है जिसमें ये भी फेल हो जाए, आ सकती है मे बी, जिसमें ये शायद फेल हो जाए, तो आप उसको फिर दोबारा से सोचेंगे, आप उसको इम्प्रूव करेंगे कि भाई इस जगह पे मेजॉरिटी तो ये केसेस हैंडल कर लेगा, लेकिन हो सकता है कोई एक ऐसा स्पेसिफिक केस आ जाए जिसमें ये भी फेल हो जाए, तो आप उसके लिए कुछ और करेंगे, ठीक है। सम टाइम आपको पता होता है कि नहीं यार ये सबसे आखिरी ही पैरामीटर होगा, तो फिर एक से भी काम हो जाएगा। तो हमने जो है ना ये बना दिया, सही है, जहाँ पर इमेज आ रही थी वहाँ पर आ रही है, जहाँ पर नहीं आ रही थी वहाँ नहीं आ रही।
यहाँ तक सब लोगों को समझ आ रहा है कि कैसे हुआ ये, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि जब मैं पेज को रिफ्रेश किया, मैंने पेज को रिफ्रेश करने के बाद ना, मैं जब यहाँ पे लिखता हूँ कराची और एंटर प्रेस कर दिया मैंने, ये देखो ये 2 से 3 सेकंड बाद आता है डेटा। इतने टाइम तक मुझे लोडर दिखाना है, मैं कैसे दिखाऊंगा? इतने टाइम तक मुझे लोडर दिखाना है, वो मैं कैसे दिखाऊंगा? ये है वो मैप। जब पेज मेरा पहली बार जब लोड होगा ना मेरा कंपोनेंट, तो इस डेटा के अंदर क्या है, एम्प्टी एरे। ऐसे ही किया था ना मैंने शुरू में, एम्प्टी एरे रखवाया था इसमें, ये मेरा एम्प्टी एरे पड़ा हुआ है। तो शुरू में क्या होगा, ये मैप चलेगा ही नहीं, एम्प्टी एरे होने की वजह से ये मैप नहीं चलेगा, ठीक है। तो मुझे उतनी देर तक यहाँ पे कुछ और दिखाना है इसकी जगह। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एक और ऐसे बना दूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर लगा दूँ कि भाई डेटा डॉट लेंथ इक्वल्स इक्वल्स अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लोडिंग दिखा दो, अदरवाइज कुछ भी ना दिखाओ, एम्प्टी स्ट्रिंग दिखा दो। क्या ये काम मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, वो तो शुरू में ज़ीरो ही है ना, वो तो शुरू में भी ज़ीरो है, तो वो लोडिंग प्रिंट ही हो गया, पक्का पक्का प्रिंट हो गया। अच्छा, तो आप कोई ऐसा तरीका करना होगा कि एंटर जब कर दूँ, जब वो उससे पहले ना हो, नहीं ऑन क्लिक के अंदर तो मैं लगा दूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई तरीका चाहिए कि वो क्या हो, जब क्लिक कर देना बंदा, लोडिंग जब स्टार्ट हो जाए तो जब ये डिस्प्ले हो, अदरवाइज ना हो। मेरा ख्याल है शायद ये डेटा की लेंथ पे मुझे नहीं करना पड़ेगा, मुझे ये करना होगा कि एक और स्टेट बनानी होगी शायद, ठीक है। एक ही काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा, एक अलग इज लोडिंग और सेट इज लोडिंग, सही है। इस लोडिंग में जैसा कि नाम से जाहिर है, इस लगा हुआ तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो इस लोडिंग या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अच्छा, और मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इंटरनेट पे कॉल लगाता हूँ ना, एपीआई कॉल लगाता हूँ, तो मैं एपीआई कॉल लगाते ही क्या करूँगा, इसको ना ट्रू करवा दूंगा मैं। शुरू में तो फॉल्स होगा, ये फॉल्स नहीं दिया ना मैंने शुरू में, शुरू में फॉल्स होगा, ये शुरू में फॉल्स है। और जैसे ही मैंने क्या किया, एक्सियोस की रिक्वेस्ट करने लगा ना, तो उससे पहले मैंने लोडिंग को ट्रू करवा दिया, सही है। और जब इसका जो रिस्पॉन्स या तो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया तो भी फॉल्स करवा दिया, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स पे भी फॉल्स करवा दिया, और अगर एरर आ जाता है तो भी इसको मैंने फॉल्स करवा देना है, क्योंकि जाहिर है एरर में भी फिर लोडिंग तो रुक जाएगी ना, एरर आ गया तो ख़त्म हो गई कहानी। तो ये मैंने एक स्टेट बना लिया है कि जब लोडिंग हो रही होगी तो ये ट्रू मिलेगा मुझे। और मैं इसका जो यहाँ पे लेंथ जीरो लगाई थी ना मैंने, इसको मैं क्या दे देता हूँ, मैं कहता हूँ इज लोडिंग। तो जब लोडिंग ट्रू होगी जब ही ये दिखेगा, अदरवाइज ये नहीं दिखेगा, सही है। काफ़ी सही काम कर लिया हमने, कराची एंटर, लोडिंग हो रही है डेटा। अच्छा, काफ़ी हम सही अभी आगे जा रहे हैं। पहले से डेटा कौन सा देखे, ये एक काम रह गया हमारा आखिरी, और उसी में हम यूज स्टेट यूज इफेक्ट भी पढ़ेंगे। अब मेरे पास होता ये है कि जब ये पेज खुलता है ना मेरे पास, तो खाली होता है ये पेज, ऐसा तो नहीं होता न्यूज़ की ऐप में। न्यूज़ की ऐप में जब पेज खुलता है, जैसे अगर मैं गूगल न्यूज़ पे जाऊँ, तो क्या होता है कि जो ट्रेंडिंग वाली न्यूज़ है वो पहले ही आ जाती है टॉप पे, सही है। देखिए टॉप न्यूज़ पहले से ही आ गई यहाँ पे ना, ये ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कहीं क्लिक किया या कहीं पे मैंने सर्च किया तो आया, शुरू में भी कुछ ना कुछ मुझे ये दिखा रहा है। तो मैं ज़रा अपनी एपीआई में आ जाता हूँ, और इन्होंने मुझे क्या दिया हुआ है, ट्रेंडिंग न्यूज़ को गेट करने के लिए मुझे इन्होंने एक एपीआई दी है, जिसके ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ। एक तो न्यूज़ सर्च था ना, न्यूज़ सर्च में क्या होता था, मैं इसको एक अदर क्वेरी देता था यहाँ पे, और फिर वो उसके अगेंस्ट ले। अब ट्रेंडिंग न्यूज़ को गेट करने का तरीका जो है वो ये थोड़ा सा ऐसे है, ये ट्रेंडिंग न्यूज़ को गेट करने का तरीका है, सही है। तो मैं ज़रा क्या करता हूँ कि पेज लोड होते ही ना शुरू में ट्रेंडिंग न्यूज़ को खुद से गेट करवा लेता हूँ,
कॉपी कर लेते हैं इस पूरी रिक्वेस्ट को, ठीक है जी, और कॉपी करके मैं वापस अपनी रिएक्ट की ऐप में आ जाता हूँ। अच्छा, अब कोई भी काम अगर मुझे इस कंपोनेंट के लोड होते ही अगर मुझे कोई भी काम करवाना है, तो मैं प्लेन जावास्क्रिप्ट में क्या करता था, फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखा मैंने, कहा भाई गेट ट्रेंडिंग न्यूज़, ठीक है, गेट ट्रेंडिंग न्यूज़ करके, और उसमें जो भी कोड था वो सारा का सारा इधर पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है, और गेट ट्रेंडिंग न्यूज़ को एक बार ऐसे नीचे चला दिया, यही करता था ना मैं। रिएक्ट में ऐसे नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये कंपोनेंट जब जब री रेंडर होगा ना, ये फंक्शन उतनी बार चलेगा, कंपोनेंट तो री रेंडर होता है ना, ये कंपोनेंट जो फंक्शन है ये हम कॉल नहीं करते इस कंपोनेंट के फंक्शन को, रिएक्ट कॉल करता है, और रिएक्ट इसको बार बार कॉल करता है, री रेंडर करता है जब स्टेट में चेंज आता है, जब इसको कॉल किया जाता है, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा फिर, ठीक है। इसको हम एक्सपीरियंस करके भी देख लेते हैं, एक्सपीरियंस करके देखने का मतलब ये है, अब देखो मैं जब इसके ऊपर एक प्रेस करूँगा ना इस बटन के ऊपर जिस टेक्स्ट बॉक्स पे, तो इस बटन के प्रेस पे क्या होता है, स्टेट चेंज होती है, स्टेट चेंज होने का मतलब है कंपोनेंट री रेंडर, तो मेरा गेट वो जो था ना, ये तो ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आ गया, पहला लोड होते ही पहला लेकर आ गया, ये मैंने रिफ्रेश का बटन प्रेस किया। अब देखो मैं जितनी बार यहाँ पे ए लिखा ये दोबारा ले आया, बी लिखा दोबारा ले आया, ये दोबारा दोबारा चलेगा, सही है, समझ रहे हो, ये देखो कुछ भी लिखूंगा ये फिर ले आया, ये फिर ले आया। तो ऐसे मैं अगर खुले में लिख दूंगा कंपोनेंट के अंदर कोई भी बात, तो वो कितनी बार चलेगा, जब जब कंपोनेंट री रेंडर होगा वो हर दफ़ा चलेगा, ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कंपोनेंट जब एक बार लोड हो मेरा तो वो एक बार चले, उसके बाद दोबारा कभी भी ना चले। तो उसके लिए मुझे रिएक्ट ने क्या दिया हुआ है, एक तरीका दिया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड यूज़ इफेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉमा डाल के यूज़ इफेक्ट को ऊपर इम्पोर्ट कर लिया, और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ इफेक्ट बनाऊँगा, यूज इफेक्ट बनाऊंगा मैं यहाँ पे कॉमा और एम्प्टी एरे, सही है, ये मेरा यूज इफेक्ट बन गया। अब मैं ये जो गेट ट्रेंडिंग न्यूज है ना, कट करके ना इसको यूज इफेक्ट की बॉडी में कॉल करूंगा, तो अब ये सब चलेगा सिर्फ और सिर्फ एक दफा, अब दोबारा ये कभी भी नहीं चलेगा। डेफिनेशन जो मेरे फंक्शन की है वो भले बाहर हो, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरे पास जो कॉल हो रहा है ना फंक्शन को, अच्छा अगर डेफिनेशन भी अंदर करते हैं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, डेफिनेशन भी अच्छा, पहले तो एक मिनट बाहर रख के ही ज़रा चेक करते हैं। अभी मेरे फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो बाहर है और कॉल ही अंदर हो रहा है एक दफ़ा, तो अभी एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया, एक बार देखो चल गया ये, अब दोबारा मैं इसमें ए बी सी लिखूंगा, कुछ भी नहीं हुआ, दोबारा से रन हो नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं डेफिनेशन को अंदर कर दूँ तो ये ज़्यादा बेहतर है, सही है। अब क्योंकि रजिस्टर वाला कोड भी एक बार चल गया तो काफ़ी है ना, बार बार रजिस्टर करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि शुरू से चलेगा तो दोबारा रजिस्टर होगा, तो वो दोबारा रजिस्टर करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये यूज़ इफेक्ट समझ में आ गया कैसे हो रहा है काम। अच्छा, यूज़ इफेक्ट के अंदर ये एम्प्टी एरे जो है ना, अभी ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा, एम्प्टी एरे क्या चीज़ है, अभी इसको ऐसे ही बॉयलर प्लेट के तौर पर समझो, अभी इन फ्यूचर नियर फ्यूचर में ये कहाँ पर यूज़ होता है वो बता दूंगा मैं किसी दूसरी क्लास में, ठीक है, अभी के लिए, वरना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, बस इतना समझ लो कि ये एम्प्टी एरे का, ये डिपेंडेंसी एरे कहलाता है, नाम है इसका डिपेंडेंसी एरे। इसको खाली रखने का मतलब ये है कि इस कोड को ना मुझे लोड होने पे सिर्फ एक दफ़ा चलाना है, दोबारा कभी भी नहीं चलाना, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कोड को सम टाइम कोई ऐसा पॉइंट भी आएगा कि इस कोड को मुझे दोबारा भी चलाना पड़ेगा, तो फिर हम इस डिपेंडेंसी एरे को उस पर डिस्कस कर लेंगे कि इस कोड को दोबारा क्यों चलाना है, कब चलाना है, और डिपेंडेंसी एरे में उसको कैसे कन्फिगर करना है दोबारा चलाने के लिए। अच्छा, तो ये गेट ट्रेंडिंग न्यूज़ का जो फंक्शन था मेरा, ये मैंने क्या कर लिया, चला दिया यहाँ पे। अब गेट ट्रेंडिंग न्यूज़ के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक एग्जियोस की API लगी हुई है, वो कॉल हो रही है, एग्जियोस डॉट रिक्वेस्ट ऑप्शन लिखता है यहाँ पे, और क्या करता है, देन और कैच दोनों है। तो मुझे देन में क्या मिलता है, न्यूज़ मिलती है जिसको मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस न्यूज़ को मुझे स्क्रीन पे भेजना है, क्या करूँगा मैं करूँगा सेट डेटा और
रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट वैल्यू, यही था ना। अच्छा, अगर तो जो रिस्पॉन्स आता है ना इसका, अगर उसका स्कीमा सेम है, जो पहले मैं जो एपीआई यूज़ कर रहा था ना उसका और इसका स्कीमा अगर सेम है तब तो ये चल जाएगा। अगर स्कीमा सेम नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है, अगर कोई की का नाम चेंज है या कुछ ऐसा चक्कर है, तो फिर मुझे उसके लिए प्रॉपर फिर पूरा अलग कोड लिखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अलग स्टेट बनानी होगी और उसमें मुझे फिर उसको अलग से मैप चला के रेंडर करना होगा। लेकिन आई होप कि इन दोनों का स्कीमा सेम है। तो अगर इसको ओपन कर लेते हैं किसी एक को, डॉट वैल्यू के अंदर मुझे खाली मिल रहा है, ये बकवास है, डॉट वैल्यू में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, खाली मिल रहा है। अच्छा, तो ज़रा इसको यहीं पे ज़रा एक बार चला के देखते हैं। एक मिनट, ये मैंने कुछ गड़बड़ की है इसमें। टेक्स्ट रॉ सेव सर्च ऑफ, सेव सर्च को मैं ऑन कर देता हूँ। जेसॉन कर देता हूँ उसको, जेसन अलाउ नहीं है, टेक्स्ट फॉर्म ही अलाउ है। सही है, इसमें कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं की मैंने। ये फिर मुझे ट्रेंडिंग न्यूज़ क्यों नहीं दे रहा निकाल के। ट्रेंडिंग न्यूज़ में कुछ आ ही नहीं रहा, न्यूज़ कैटेगरी में कुछ आ रहा है। न्यूज़ कैटेगरी में इसको मुझसे कोई कैटेगरी तो पूछनी चाहिए थी, मुझसे कैटेगरी नहीं पूछ रहा, ये वैसे ही लेकर आ जा रहा है। क्या लेकर आ जा रहा है भाई? रिजल्ट्स लेकर आ जा रहा है कुछ। ये शायद इनकी एपीआई में ना कोई गड़बड़ है, वो ट्रेंडिंग न्यूज़ की जगह ये कैटेगरी वाली आ गई है और कैटेगरी की जगह ट्रेंडिंग वाली आ गई है, मुझे ये लग रहा है ना कुछ गड़बड़, क्योंकि ये ट्रेंडिंग न्यूज़ तो यहाँ पे ला रहा है ये बगैर कुछ पूछे। रैपिड एपीआई स्लैश न्यूज, इसका जो एंड पॉइंट है वो क्या है? ये इसका एंड पॉइंट है। और उस वाले का एंड पॉइंट क्या है? ट्रेंडिंग वाले का, ट्रेंडिंग टॉपिक्स नाम है उसको। सही है, तो हम ये वाला कर लेते हैं, ये वाली न्यूज वाला। सही है, स्लैश न्यूज में ना ये मुझे जो होम पेज पे आने वाली न्यूज़ है वो ये यहाँ पर मुझे लाके दे रहा है। सही है, अब देखो क्या होता है, पेज जैसे ही लोड होता है ना वो एक बार चलता है और कुछ लेकर आ जाता है न्यूज़, उसके बाद जब मैं यहाँ लिखता हूँ कराची या कोई भी टॉपिक और एंटर करता हूँ तो वो अब मुझे नई वाली न्यूज़ ला के देता है। सही है, इसकी इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा हुई भी है, मैं इसकी विड्थ को ज़रा कम कर देता हूँ। मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला हुआ था ना तो फील नहीं हो रहा था, इसकी विड्थ में कर देता हूँ काइंड ऑफ 600 पिक्सल। सही है, नई इमेज बाहर नहीं आई। अच्छा, कुछ इमेजेस बाहर आ रही हैं भाई साहब, नहीं इमेज को भी मैं विर्थ दे देता हूँ ना, इमेज को भी विर्थ दे देता हूँ मैं। इमेज की कितनी जगह बची हुई है मेरे पास, मैं अगर इसको अगर नीचे कर दूँ, इसको मैंने 600 विर्थ दी है ना, तो कंप्यूटर में जाता हूँ मैं
600 इसकी विर्थ है, 20 पैडिंग है, 20 मार्जिन है, सॉरी मार्जिन तो बाहर की साइड है ना, 20 पैडिंग है इसकी, तो 600 प्लस 20, ठीक है, तो मैं अगर इमेज को मैं 600 विर्थ देता हूँ तो फिर वो बिल्कुल फिट आ जाएगी। मैं यहाँ आता हूँ और मैं कहता हूँ पोस्ट के अंदर जो क्या है आईएमजी है, हाँ पोस्ट के अंदर जो आईएमजी है मैंने उसको कहा कि भाई आप विर्थ इसको दे दो 600 पिक्सल, तो वो बस अब 600 पे फिक्स हो जाएगी वो भी, अब वो बाहर नहीं आती, ठीक है, अब वो फिक्स हो गई, अब वो बाहर नहीं आती। और अगर मैं इसमें से ये हटा दूं इसका जो स्प्लिट विस्प्लिट किया था ना हमने जो यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हुए, कहाँ गया वो स्प्लिट जो किया था हमने, ये रिप्लेस जो हमने मारा था तीनों को, अगर इसको मैं गायब कर दूं थोड़ी देर के लिए तो फिर वो जितनी बड़ी इमेज है उतनी बड़ी इमेज ला के दे रहा हूँ वो, और नहीं एक्चुअली मैंने 600 पिक्सल लगाया ना तो वो छोटी इमेज को बड़े करने की कोशिश कर रहा है, छोटी इमेज को वो बड़ी करने की कोशिश कर रहा है तो वो पिक्सलेट हो जा रही है, सही है, शायद टाइटल को मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, नहीं सही है बड़ा नहीं है, जूम इन हुआ था पेज थोड़ा ज़्यादा, ठीक है भाई, तो ये मैंने क्लिक किया तो मुझे ये एमएसएन के उस पेज पे पूरा लेकर चला गया, बैक किया मैंने तो वापस मैं अपनी साइट पे आ गया, हाँ टारगेट न्यू करके लगाते हैं ताकि वो ना मेरा पेज बंद ना करे, टारगेट ब्लैंक, क्या एरर दे दिया इसने भाई, नो रेफर, मतलब वो यहाँ से आप रेफरल दे के नहीं भेज रहे, यहाँ से ना आप रेफर नहीं दे के भेज रहे उसको, अदरवाइज वो क्या होता है लिंक में ना एक रेफरल ऐड करता है कि भाई ये फला पेज से आया है, सही है, अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं लगाता हूँ उधर तो ये क्या करता है फिर, अच्छा रेफर खुद से तो ऐड नहीं कर रहा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इसके लिए रेफर ऐड करवाने के लिए, नहीं खुद से ऐड नहीं कर रहा, यूआरएल के लास्ट में ना एक रेफरल ऐड हो जाता है, वो कह रहा है यूजिंग टारगेट ब्लैंक विदाउट रिलेशन नो रेफर विच इम्प्लाइज द रिलेशन नो ओपनर is a security risk in older browser. See this article. अच्छा ये कह रहा है कि no refer करके अगर आप नहीं भेजते ना तो वो एक दूसरा है no opener उसको enable कर देता है, तो इसलिए आप ये लगा के भेजो तो सही है, ठीक है चलो सही है लगा के भेज देता हूँ, तो ये हमारी जो न्यूज़ की ऐप है ना भाई साहब ये हो गई है यहाँ पे काइंड ऑफ कंप्लीट हो गई, फंक्शनैलिटी वाइज ही कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसकी अच्छी सी यूआई बना के रिएक्ट पे बनाना है, अभी जैसे मेरा जो फॉर्म है ना ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स है जो ये काफ़ी चुन्ना सा अजीब सा लग रहा है, इसको आपने इम्प्रूव करना है, तीनों डिवाइसेस पे रिस्पॉन्सिव बनाना है इसको, सीएसएस आपके हाथ में है सारी वो आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको अभी दूसरे डिवाइसेस पे ओपन करके देखता हूँ, अगर ये मैंने कहा मोबाइल डिवाइस और मोबाइल डिवाइस करने के बाद ना मैंने कहा कि टैबलेट, तो टैबलेट पे ये इस तरह का दिख रहा है, मोबाइल मीडियम पे देखो ये स्क्रीन से बाहर जाने लग गया, मोबाइल मीडियम टैबलेट और डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी है लैपटॉप, इन तीनों पर ये प्रॉपर खुलना चाहिए, अब देखो लैपटॉप में यहाँ पर जगह खाली आ रही है साइड में ना, ये जगह खाली नहीं आनी चाहिए, फ्लैक्स बॉक्स आपने पढ़ा हुआ है, सीएसएस पूरी पढ़ी हुई है आपने, कैसे रिस्पॉन्सिव करना है डिफरेंट डिवाइसेस पे ये आप जानते हैं,
तो आपने इसको प्रॉपर रिस्पॉन्सिवनेस करना है। अच्छा, इसकी यूआई जैसे मैंने बनाई है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी यूआई ऐसे बनाएं। आप इसको कैसे वाला बना सकते हैं, जैसे गूगल इमेज होता है ना, ऐसे वाला भी बना सकते हैं आप इसको, कि कुछ इस तरह से आ रही हो न्यूज़ सारी, किसी पे भी क्लिक करें तो वहाँ लेकर चला जाए। जैसे मैं अगर मैं बिंग न्यूज़ पे जाता हूँ तो उनकी अपनी एपीआई कैसी है, अपनी उनकी जो वो कुछ इस तरह की है अपनी न्यूज़ उनकी, ये देख रहे हो इमेज के ऊपर ही टेक्स्ट लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है। तो ऐसा चाहो बना सकते हो बिल्कुल, देख रहे हो। नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं तो इस तरह करके शो कर रहा हूँ, वर्ल्ड न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ तो भी ऐसे शो कर रहा है। एक यूआई ऐसी वाली भी है कि सामने टेक्स्ट है और उसके फ्रंट पे देखो कुछ में इमेजेस आ रही हैं और कुछ में नहीं आ रही है, तो इस तरह करके भी बना सकते हो। तो बेहतर यूआई होनी चाहिए, जैसा असली में बनते हैं ना न्यूज़ की एप्स, उस तरह की यूआई होनी चाहिए। सही है, गूगल न्यूज़ हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले, गूगल न्यूज़ की जो यूआई है वो देख लो किस तरह की है। मैं अगर कहता हूँ कि यार पाकिस्तान की न्यूज़ लाओ मेरे सामने, तो कुछ इस तरह की इनकी है, कुछ इस तरह की है। सही है, तो ऐसा भी बना सकते हो। और इसको अगर मैं डिवाइस चेंज करता हूँ तो देखो ये रिस्पॉन्स करेगी उसके ऊपर, ये अभी ये देखो टैबलेट के ऊपर इसने फ़ौरन रिस्पॉन्स किया, ये लैपटॉप था ये टैबलेट है, फ़ौरन रिस्पॉन्स किया। मोबाइल मीडियम पे लाऊंगा, फ़ौरन रिस्पॉन्स किया इसने। तो हमें भी इसी तरह करना है कि हमारी वेबसाइट ना जब डिफरेंट स्क्रीन साइज पे हो तो फ़ौरन रिस्पॉन्स करे उसको और अपने आप को वो एडजस्ट कर ले उस स्क्रीन साइज पे। और ये फ्लैक्स बॉक्स के जरिए हम करना ऑलरेडी सीख चुके हैं, अगर किसी ने वो क्लास मिस कर दी थी या उस क्लास में नहीं था तो उसकी रिकॉर्डिंग जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज की भी क्लास मैंने रिकॉर्ड की है, वो मैं अपलोड कर दूंगा। कौन सी की? अरे भाई, अच्छा ये यूआरएल हाँ भेज देता हूँ मैं, ये लो। नहीं, ये वैसे भी तुम लिखोगे ना बिंग न्यूज़ एपीआई और साथ में रैपिड एपीआई, मैं अलग से तुम्हें करके दिखा देता हूँ। बिंग न्यूज़ रैपिड एपीआई, तो ये सामने आ जाएगा आपके, ये देखो ना टॉप पे ही आ रहा है, ये लो आ गया। सही है, ये शो हो कुछ एपीआई फ्री भी मिलती है। चले ठीक है जी, आज की क्लास हम इसी के साथ एंड करते हैं। और ये वेदर वाली ऐप जो है ना, सॉरी ये न्यूज़ वाली जो ऐप है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग बना कर लाएंगे, ऐसा उम्मीद है मुझे। चलो, अल्लाह हाफिज़।